जथा जाएगा बिलकुल जे जिथे संयुक्त मोर्चा पेगा जो यूपी गए यूपी भी जाएगा। मैं उस चीज का विरोधी नहीं कि बीजेपी को नहीं हराना चाहिए, जरूर हराना चाहिए, पर उन्होंने हराने के नाल गल नहीं मननी जाएगी। अगर कानून बदलवाने ने तो फिर ये राज खोना पेगा। नहीं, उस टाइम उस तो उसकी लोड़ सी, इस टाइम की लोड़। नहीं, नेक्स्ट स्टेप तो दो मोर्चे पास करेगा। अब 12 तारीख तक 13 तारीख तक जथे जाएंगे 200 आदमी के, और उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, और मेरा बड़ा क्लियर है जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा अगर मैं बाहर भी हूं तो भी मैं बोला करता हूँ। बस एक विचारधारा का अंतर है, जे आप अंदोलन जीत जाइए, जे अपने तीनों कानून वापस हो जाए तो सारी समस्या सॉल्व होगी कि आप 5 जून तो पहला उतरना फिर ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ 200 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? दिखा दें देखो जिथों तक सिख चेहरे का सवाल है तो उस वर्ग की उस परिवार चुना जिथे अगे वधन का सवाल है ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ।
जी अगर आपको प्रपोज करेंगे जैसा पंजाब के लोग चाहेंगे, मैं पंजाब के लोगों को थोपूंगा नहीं, मैं तो उनको विचार दे रहा हूँ, उनमें जागृति पैदा करने के लिए विचार दे रहा हूँ, मैं उनके ऊपर को थोपूंगा थोड़ा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह में पहले बोलने पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसके पहले ये बोल दिया कि ये किसान नहीं है, आप बोल रहा करें मेरे ज्ञान की बात तो नहीं बोल रहा था, मेरे ज्ञान की पहले बोल रहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो कांग्रेस ही बैठे हैं। उत्तर प्रदेश हरियाणा का मिशन चल सकता है और उत्ते बंदे खड़े करके जताना का मिशन नहीं चल सकता, उत्ते सरकार कोई नहीं जा सकती, एक पावर नहीं है यूपी की, भी आप यूपी के पावर कह दिए भी आप किसान मजदूर सरकार को आगे अपनी बना के मुखालफत कदम की, पर मैं जो कह